बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नोरे में आखिरी बार नजर आई थी। ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म में रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। हालांकि ये वही फिल्म है जिससे पहले रानी मुखर्जी एक भयानक दर्द से गुजरी थी। हाल ही में हुई इंटरव्यू के दौरान रानी मुखर्जी ने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है, शायद ये पहली बार में जब रिवील कर रही हो, क्योंकि जब इस दुनिया में आपकी जिंदगी से जुड़े हर किस्से पर चर्चा की जाती है, तो मैंने ये अपने फिल्म की रिलीज से पहले इसलिए नहीं बताया ताकि लोग ये न सोचे कि फिल्म की प्रमोशन के लिए अपनी लाइफ की सीक्रेट को लोगों के सामने बता रही हो। ये लगभग उसी साल की बात है, साल 2020 था। मैं 2020 की आखिरी में दूसरी बार प्रेगनेंट हुई थी और दुर्भाग्य से मैंने प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही अपने बच्चे को खो दिया था। रानी मुखर्जी ने आगे बताया, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के मेकर्स में से एक निखिल अडवाणी ने साल 2022 में मेरे मिसकैरेज के 10 दिन के अंदर ही मुझे फोन किया था। जब मैंने अपना बच्चा खोया उसके लगभग 10 दिन बाद नितिन का फोन मुझे आया। उन्होंने मुझे कहानी के बारे में बताया, तब मेरे अंदर कई सारे इमोशंस चल रहे थे तो मैंने इस मूवी के लिए हाँ कर दिया था। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से शादी रचाई थी। कपल की एक प्यारी सी बेटी भी है। कपल अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।